नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकतंत्र 2014 और आज हम आपको दिखाएंगे कांग्रेस नेता सचिन पायलट का चुनाव अभियान। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि मुरादाबाद में सोनिया गांधी ने क्या कहा है, बताएंगे कैसे एनसीपी के नेता शरद पवार ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। आंध्र प्रदेश की 20 सीटों के लिए कांग्रेस की सूची में कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम, विधानसभा चुनाव के लिए 147 उम्मीदवारों का ऐलान। केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, आयोग के अधिकारों के कानूनी पहलुओं पर चर्चा पर जोर। सोनिया गांधी का दावा, 10 साल के शासन में सभी तबकों का विकास, मोदी ने पड़ोसी मुल्कों पर लगाया नौजवानों को बर्बाद करने का आरोप। राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को जीत का भरोसा, कहा राज्य सरकार से परेशान है जनता, कांग्रेस पर जताएगी भरोसा। कांग्रेस ने रविवार को आंध्र प्रदेश से लोकसभा के 20 उम्मीदवारों का ऐलान किया। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री वी किशोर चंदेव, एमएम पल्लम राजू, पनाबाका लक्ष्मी और के जन सूर्य प्रकाश रेड्डी को सीमांध्र से उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने अराकू लोकसभा सीट से केंद्र सरकार में जनजाति मामलों के मंत्री किशोर चंदेव, काकीनाड से केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री पल्लम राजू, पनाबाका लक्ष्मी को बापताला सुरक्षित सीट से मैदान में उतारा है। इनके अलावा पार्टी ने श्रीकाकुलम से किल्ली करूपा रानी, विजयनगरम से झांसी लक्ष्मी बटोच, नरसापुरम से के बापी राजू, तिरुपति सुरक्षित सीट से चिंता मोहन को उम्मीदवार बनाया है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 17 सीटों के लिए 30 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि बाकी बचे 25 सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश से 147 विधानसभा उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की है। इनमें आंध्र प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष बोत्सा सत्यनारायण और राज्य के कई पूर्व मंत्रियों के नाम शामिल हैं। आंध्र प्रदेश में पिछले 10 साल से कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन राज्य के बंटवारे के फैसले पर सीमांध्र में पार्टी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य विभाजन के फैसले के खिलाफ कई सांसद और विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। आंध्र प्रदेश विधानसभा की 119 विधानसभा सीटों के लिए 30 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि बाकी बची 175 विधानसभा सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने अब तक आंध्र प्रदेश में 93 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है, जिनका कोई हिसाब नहीं है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक यह राशि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से जब्त की गई है। आयोग ने इस दौरान 93 करोड़ रुपए की नकदी के अलावा बड़ी मात्रा में सोने और चांदी समेत शराब और मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। आयोग पहले ही चुनाव के दौरान ज्यादा खर्च करने वाले राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश की पहचान कर चुका है। केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए कहा है कि आयोग अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। पवार ने गाड़ियों की चेकिंग के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग नकदी पकड़ता है और फिर छोड़ भी देता है। महाराष्ट्र के शोलापुर में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग को सड़क पर वाहनों की चेकिंग का अधिकार किसने दिया, इस पर कानूनी पक्ष से विचार होना चाहिए। पिछले दिनों पवार ने अपने समर्थकों से स्याही मिटाकर 2 बार वोट डालने की अपील की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया था। उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान के खिलाफ शामली जिले में उनके कथित नफरत फैलाने वाले भाषण को लेकर एक और एफआईआर दर्ज की गई है। जिलाधिकारी एनपी सिंह ने बताया कि 8 अप्रैल को जलालाबाद इलाके में एक चुनावी रैली में की गई टिप्पणियों को लेकर आजम खान के खिलाफ थाना भवन पुलिस स्टेशन में यह मामला दर्ज किया गया। वीडियो फुटेज की जांच में उनकी टिप्पणियों को आपत्तिजनक पाए जाने पर चुनाव आयोग के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। आजम खान के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इलेक्शन कमीशन को मेरे जज्बात, मेरे एहसासात देखना चाहिए थे, बजाय इसके इलेक्शन कमीशन भी अपने आप को सीबीआई साबित करना चाहता है। जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट की गुलामी सीबीआई करता है, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा अगर इलेक्शन कमीशन भी सीबीआई की तरह कांग्रेस की इतनी बात मानेगा।
उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुरादाबाद में एक रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव को दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई बताया। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने समाज को जोड़ने की राजनीति की है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी मौलाना आजाद के साथ साथ तमाम दूसरे महान नेताओं ने किया है, दूसरी तरफ एक ऐसी भी सरकार है जो अपने एक ऐसे संगठन के इशारे पर चलती है जो नफरत संकीर्ण और कट्टर सोच के साथ समाज में भेदभाव फैलाती है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने पड़ोसी देशों की सीमा से सटे इलाकों में नौजवानों के मसले को उठाया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पड़ोसी देश भारत के नौजवानों को बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं। देश के सीमावर्ती राज्यों में वहां की जवानी बर्बाद हो जाए, ऐसे हमारे पड़ोसी देशों से षड्यंत्र चलते रहते हैं। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हमारी जवानी को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। और इस समय उत्तर प्रदेश में मौजूद हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह, उनका हम रुख करेंगे। अरविंद जी, हमने देखा कि दोनों पार्टियों, बड़ी पार्टियों के दो बड़े नेता आज यूपी के सरजमी पर मौजूद थे और उन्होंने अपने अपने तरीके से लोगों को लुभाने की कोशिश की है। कितना नब्ज को पकड़ पाए हैं दोनों नेता उत्तर प्रदेश की? देखिए प्रीति, जहां तक सोनिया गांधी और मोदी का सवाल है तो निश्चित तौर पर ये दोनों पार्टियां जो है काफी जोर शोर से प्रचार अभियान में लगी हुई है और समाजवादी पार्टी और बीएसपी, ये चारों पार्टियां ऐसी हैं जो कि दूसरे चरण के उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर ये सारे तरह के प्रयास कर रही हैं और बीजेपी खास तौर पर लोगों को विनोवर करने की कोशिश कर रही है। जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी और लोकदल का गठबंधन था जो दूसरा चरण था और उसमें इनको 3 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि इस चरण में समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा 4 सीटों पर जीती थी जो जिन 11 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये दोनों पार्टियां वैचारिक आधार पर अपने को मतदाताओं को अपने तरफ लुभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये तो वोटर को ही तय करना है कि वो उनके तरफ कितना झुक पाएगा। जी प्रीति, और बड़ी बात इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है जहां से तमाम हम कह सकते हैं लोकसभा का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, लेकिन दोनों ही बड़ी पार्टियों की जो जमीन है उत्तर प्रदेश में वो लगातार खिसकती रही है, उसे वापस पाना भी बहुत बड़ी चुनौती है दोनों पार्टियों के लिए। अजी प्रीति, 1989 के बाद जो है कांग्रेस का जनाधार लगातार गिरा, सिर्फ जो है 2009 का जो लोकसभा का चुनाव आया उसमें कांग्रेस ने जो है गेन किया था, काफी चौंकाया था, उसके जो नतीजे आए करीब करीब ये 2 दर्जन सीटों पर चुनाव ये जीत गए थे। फिरोजाबाद की लोकसभा सीट में उपचुनाव में भी कांग्रेस ने सफलता हासिल की थी, तो कुल मिलाकर के हुआ था कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा था, लेकिन इसके बावजूद अगर आप बाकी जो चुनाव का जो इनका मतदान प्रतिशत है देखेंगे तो वो कांग्रेस के लिए चिंताजनक रहा। बीजेपी के साथ ये रहा कि बीजेपी का जो राम मंदिर का आंदोलन रहा उसमें बीजेपी का ग्राफ ऊपर बढ़ा, लेकिन अगर 2002 की बात करें तो उसके बाद से बीजेपी भी यहाँ बहुत ही चिंताजनक स्थिति में है। जी, और इसी कोशिश में लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें ये दोनों पार्टियां अपने नाम कर पाएं और इसी को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में दोनों बड़े नेता चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस खबर के साथ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को कांग्रेस ने महाराष्ट्र की शोलापुर सीट से मैदान में उतारा है। शिंदे का कहना है कि इस चुनाव में स्थानीय मुद्दों से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दों पर जनता उन्हें एक बार फिर जीत दिलाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी। सर, क्या क्या अहम मुद्दे इस इलाके के? देखिए, ये राष्ट्रीय चुनाव है और राष्ट्रीय चुनाव में इलाके के
बहुत कम प्रश्न होने चाहिए, इस पर अंतरराष्ट्रीय विषय पर बात करनी चाहिए, राष्ट्रीय जो विषय जो प्रश्न है, गरीबों के प्रश्न है, किसानों के प्रश्न है, दलितों के प्रश्न है और युवकों के जो प्रश्न है, इनके पॉलिसी के बारे भी चर्चा होनी चाहिए। क्या क्या अहम उपलब्धियां लेकर आप इस बार चुनाव में जा रहे हैं? हम जो हमारा मैनिफेस्टो बनाया है वही उपलब्धियां लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं। क्या क्या अहम चीजें आपके कार्यकाल में यहाँ आई? काफी यहाँ डेवलपमेंट हो गई है, यहाँ NTPC का एक बड़ा 8,000 करोड़ का प्रोजेक्ट का कारखाना आ गया है, पावर ग्रिड आ गया है यहाँ, और हमारे बहुत कुछ सोलापुर का यूनिवर्सिटी आ गई है, बहुत कुछ यहाँ चीजें आ गई। और भी ऐसे काम है जो करने बाकी, अगली बार चुन के आते हैं तो करेंगे। हमारी ये जनता इसी है, मुझे 2 बार जनरल सीट पे चुन के दे दिया है और अभी रिजर्व हो गई वो कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो ये मेरा 12वां इलेक्शन है, अभी तक इस जनता ने मुझे अपयश नहीं दिया है, इसका मतलब ये है कि मैं यशस्वी बनने के लिए ये हमारे जो साथी है हमेशा आशीष देते रहे हैं। ये थे सुशील कुमार शिंदे जी, जिनका कहना है कि यहाँ कोई मोदी की बात से तय है। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। वाहन उद्योग और आईटी क्षेत्र के रूप में पहचान बना चुके पुणे में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। कांग्रेस ने 3 बार के सांसद सुरेश कलमाड़ी का टिकट काटकर नए चेहरे पर भरोसा जताया है। वहीं बीजेपी और MNS भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। तेजी से विकसित हो रहे पुणे शहर में चरमराती बुनियादी व्यवस्था सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। सड़कों पर रेंगने वाला ट्रैफिक और पर्यावरण प्रदूषण भी लोगों को अखरता है। चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ ही इन समस्याओं से निजात की मांग भी तेजी से मुखर हो रही है। कांग्रेस ने यहां से 3 बार के सांसद सुरेश कलमाड़ी का टिकट काटकर महाराष्ट्र युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विश्वजीत कदम को मैदान में उतारा है। लोग कांग्रेस पार्टी की सेक्युलरिज्म की और कम्युनल हार्मनी की सोच चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जो अच्छे काम हुए हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, फूड सिक्योरिटी बिल, ये सब लोगों के दिल में है और वो लोग पूरी कांग्रेस के पार्टी के साथ रहेंगे। पुणे में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ कुल मतदाताओं की तादाद 18,32,000 है। इनमें 9.45 लाख पुरुष और 8.82 लाख महिलाएं हैं। बीजेपी ने इस बार भी अपने पुराने चेहरे अनिल शिरोले पर भरोसा जताया है। 20 बरस पुणे कारपोरेशन में कांग्रेस का राज था, केंद्र में 10 बरस कांग्रेस का राज है और राज्य में 15 बरस कांग्रेस राज कर रही है, फिर भी पुणे की समस्याएं बढ़ गई है। पिछले लोकसभा चुनाव में पुणे में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच हुआ था। इस बार MNS ने दीपक पायगुडे को मैदान में उतार कर अपनी चुनौती कायम रखी है। पुणे में इस बार 36 उम्मीदवार आमने सामने हैं। 17 अप्रैल को जनता इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी। पुणे में इस बार का मुकाबला युवा कांग्रेसी और वरिष्ठ बीजेपी नेता के बीच है, लेकिन पुणे की जनता किसको चुनकर संसद में भेजती है इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। पुणे से रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। BSP अध्यक्ष मायावती ने आज महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश को बीजेपी और कांग्रेस से बचाने की जरूरत है। मायावती ने कांग्रेस पर लोगों की अनदेखी और बीजेपी पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर की उधमपुर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं। गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में उनके सामने कई चुनौतियां हैं। आजाद की बेहद व्यस्त चुनाव प्रचार के बीच उनसे बात की राज्यसभा टीवी संवाददाता अखिलेश सुमन ने। आप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं अभी, ये दोनों में से कौन बातें आप जनता को बताना चाहते हैं ज़्यादा? नहीं, ज़्यादा तो मेरा थ्रस्ट है क्योंकि ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है कि जो पार्लियामेंट में, जो कांग्रेस में UPA 1 और UPA 2 में हमने काम किए हैं, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि इतने काम, इतने ज़्यादा काम कभी नहीं हुए जितने UPA 1 और UPA 2 में हुए। जम्मू कश्मीर में लोग बोल रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा के समय जो विवाद एक हुआ था, उस विवाद का घाटा आपको हो सकता है? नहीं, आज नहीं, वो तो तब उसका घाटा हो गया, वरना क्योंकि आपके जो कंटेंडर हैं बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो शायद उस विवाद में नहीं, वो तो उसी वक्त खत्म, उसके लिए तो लोग जम्मू वाले खुद पछता रहे हैं
कि उनने बीजेपी के बहकावे में गलत निर्णय ले लिया। यूपीए 1 यूपीए 2 के बाद सबसे कठिन चुनाव लोग कह रहे हैं, कोई हवा चल रही है, शायद उस हवा में आप अपने को कहां? कोई हवा नहीं है, जिसकी हवा लोग कहते हैं वो टेलीविजन में हवा, जमीन में तो आप भी देखते हैं किसकी हवा है। एंटी इनकम्बेंसी का मामला बनता है? एंटी इनकम्बेंसी उस पार्टी को लिए होता है जिसने कोई काम नहीं किया होता। जिस पार्टी ने काम किया होता है 5 साल, उसके लिए कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं होता। 10-10, 11-11 बजे तक, 12 बजे और इंतजार करते हैं बहनें, बुजुर्ग, कांग्रेस। तो हवा अगर नहीं होती तो ये लोग इंतजार करते हैं। संजय बारू ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में जो बातें कही हैं, उसको आप किस तरीके से कह रहे हैं? मैं कहता हूँ कि एक आदमी एक प्रधानमंत्री के साथ रहे और उसके बाद हटने के बाद इससे गिरावट वाला आदमी देखा नहीं मैंने। गुलाम नबी आज़ाद इस इलाके के लिए, इस क्षेत्र के लिए सबसे हाई प्रोफाइल नेता हैं और उनके बारे में जानकर लोगों को खुशी होती है कि गुलाम नबी आज़ाद यहां से लड़ने वाले हैं। लेकिन अंततः चुनाव के मैदान में अंतिम बात तय होती है पोलिंग बूथ पर, और 17 को तय होगा कि गुलाम नबी आज़ाद के सामने बीजेपी के कैंडिडेट और पीडीपी के कैंडिडेट कितना ठहर पाते हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए अखिलेश सुमन और कैमरा पर्सन राज ठाकुर उधमपुर से। आप बने रहिए हमारे साथ, लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अजमेर से सांसद और केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट को पिछले साल राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट के कंधों पर खुद की जीत के साथ ही पार्टी को जिताने जैसी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी ने सचिन पायलट के चुनावी दौरों का जायजा लिया। सचिन पायलट का काफिला अजमेर लोकसभा क्षेत्र के गांव, कस्बों और चौराहों से होकर गुजर रहा है। इस दौरान रोजाना 2 दर्जन से ज्यादा छोटी बड़ी सभाएं और लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम रहता है। रास्ते में सचिन को साफा पहनाने वालों की होड़ देखने को मिलती है। अपने लोकसभा क्षेत्र में ही नहीं, पूरे राज्य में सचिन पायलट की मांग स्टार प्रचारक के तौर पर है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सभाओं की कामयाबी की भी जिम्मेदारी उन्हीं पर है। लगातार प्रचार के बाद थकान लाजमी है, लेकिन जीत के लिए संघर्ष में वो कमी नहीं बरत रहे हैं। हमने कोशिश की है कि राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में हम जाएं, अपने प्रत्याशियों के लिए टिकट जो उनको दिया है उनको जिता के लाएं, उनकी वोट मांगे। और मेरे क्षेत्र में भी मैंने यहाँ, क्योंकि लगातार संपर्क में रहा तो मुझे समय मिला, 8-10 कॉन्स्टिट्यूंसीज में होके आया हूँ मैं। लेकिन माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, एक बदलाव हमने देखा है पिछले 3-4 महीने में, जहाँ इस नई सरकार से कोई लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं है और दोबारा कांग्रेस का दामन थामना चाहते हैं। अजमेर सीट 2 दशकों से भी ज्यादा समय से बीजेपी के पास रही, लेकिन 2009 में कांग्रेस ने उसका किला ध्वस्त कर दिया। सचिन पायलट ने पिछला चुनाव अपनी परंपरागत सीट दौसा की बजाय अजमेर से लड़ा और शानदार जीत हासिल की। हालांकि 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद बतौर अध्यक्ष उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। देखिए, इम्तिहान देने में उसको संकोच नहीं होता जो तैयारी करता है, और हम लोगों ने बहुत तैयारी करी है। पार्टी ने सही समय पर जो निर्णय था वो लिया और मुझको जिम्मेदारी आज संगठन की दी है। इससे पहले सरकार में मैंने काम किया और पार्टी के लिए हम लोग काम करते हैं, और रिजल्ट अपने आप आएगा अगर मेहनत करेंगे। सचिन पायलट के समर्थक उनमें उनके पिता और राजस्थान के कद्दावर नेता दिवंगत राजेश पायलट की छवि देखते हैं, लेकिन विरोधियों के आरोप भी अपनी जगह है। कोई काम नहीं हुआ हमारे गाँव में बिल्कुल भी। उसका पिताजी राजेश पायलट था, बहुत सेवा की पब्लिक की, अच्छा चुनाव जीता, बहुत भारी मत जीता। पायलट साहब सचिन जी भी अच्छे वोटों से जीते गए। 36 साल के सचिन पायलट को राजस्थान में कठिन वक्त में जिम्मेदारी मिली है। पिता की विरासत और युवा चेहरे के साथ उन्हें चुनौती भरे रास्ते का सफर तय करना है।
दिन में सचिन पायलट को 2 दर्जन के करीब सभाओं को संबोधित करना पड़ता है और पूरा दिन उनका कार्यकर्ताओं के बीच में बीत रहा है। सिर्फ अजमेर में नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में उनको प्रचार की जिम्मेदारी है कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते, और उसी के लिए उनका पूरा दिन चुनावों के दौरान ये कहा जाए कि सुबह की पहली किरण से और रात के आखिरी पहर तक सिर्फ उनके सामने जो चुनौती है चुनाव में जीत हासिल करने की, कांग्रेस को जिताने की, वो उनकी जो मेहनत है उस पर वो लगातार जुटे हुए हैं। कैमरामैन दुश्मनता के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, अजमेर। जयपुर में लोकसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। चुनाव में राजनीतिक जगत के साथ साथ बॉलीवुड बिजनेस और खेल जगत से कई महारथी किस्मत आजमा रहे हैं। ओलंपिक में भारत को रजत पदक दिलाने वाले राज्यवर्धन सिंह राठौर जयपुर ग्रामीण सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने दिग्गज नेता सीपी जोशी को मैदान में उतारा है। राज्यवर्धन सिंह राठौर से राज्यसभा टीवी संवाददाता प्रणव गोस्वामी ने खास बात की। आपने पूरी देश का नाम रोशन किया है पूरी दुनिया में, अब लगता है कि जो निशाना है वो विरोधियों पर साध रहे हैं। अफसोस कि देश में विरोधी हो गए हैं, इस देश की सही विकास की रफ्तार को रोक रहे हैं। भ्रष्टाचार, इनएफिशिएंसी, गवर्नेंस की, बेरोजगारी, ये सब बढ़ता जा रहा है और युवाओं की तादाद बढ़ रही है। अब ऐसे में दोनों का तालमेल सही नहीं है इस देश के लिए। क्या आपका एजेंडा रहेगा अगर आप संसद में चुनकर आते हैं? खासतौर पर लोग उम्मीद करते हैं कि आप खेलों के लिए कुछ करेंगे। जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पे युवाओं की तादाद बहुत है और ये सारे युवा पढ़ने जाते हैं जयपुर शहर के अंदर, तो सबसे पहले तो इनको कॉलेज चाहिए, जयपुर ग्रामीण के अंदर कॉलेज चाहिए। दूसरा, इनको रोजगार चाहिए। पूरे जयपुर ग्रामीण के अंदर इंडस्ट्रीज बहुत कम है, जबकि आप ये देखिए दिल्ली और जयपुर के बीच में स्थित दोनों विकसित शहर और बीच में अविकसित जैसे दिए तले अंधेरा। तो यहाँ पर बेरोजगारी खत्म करनी है, रोजगार लाना है, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी है। पहली बार आप चुनाव मैदान में है तो किस तरह की चुनौती उनसे आपको लगता है महसूस होती है? जंग के मैदान में गया था तो भी पहली बार गया था, ओलंपिक्स में गया था तो भी पहली बार गया था। तो पहली बार कुछ करना इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हो, मैं तो ये समझता हूँ पहली बार आप बहुत ज्यादा मजबूत हो। तो राजस्थान की जो सियासत है उसमें जो जातीय समीकरण है इसको विडंबना कहेंगे आपकी, कौन किस जाति का है उसको लेकर भी कई बार उम्मीदवारों का चयन होता है। आप देखें यहाँ जो लोग बैठे हैं अभी जो स्टेज के ऊपर आके जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कराया है सब समाज से हैं और सब समाज का समर्थन मिल रहा है। तो यहाँ सबसे पहले अगर जयपुर ग्रामीण में कोई हारेगा तो वो जातिवाद हारेगा। कैमरामैन दुश्मनता के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, कोटवतली, जयपुर। राजस्थान के सीकर लोकसभा सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन बीजेपी नेता के बागी होकर मैदान में उतरने से चुनाव रोचक हो गया है। सीकर में पीने के पानी समेत बुनियादी सुविधाओं की कमी से मतदाता खासे नाराज है। यह है राजस्थान का ऐतिहासिक शहर सीकर। सीकर लोकसभा सीट से देवीलाल और बलराम जाखड़ जैसे दिग्गज चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन ये इलाका विकास की रफ्तार में कहीं पीछे रह गया है। बदहाल यातायात व्यवस्था और उद्योग धंधों की कमी बड़े चुनावी मुद्दे हैं। ब्रॉडगेज रेल लाइन की मांग पूरी नहीं होने और प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज शुरू नहीं होने से लोगों का गुस्सा साफ दिखाई देता है। बदलाव चाहते हैं कि एक तो यहाँ पे आगे लाइन आनी चाहिए, बड़ी लाइन आनी चाहिए, इससे सीकर का विकास हो और यहाँ पे रोजगार के साधन होने चाहिए। तक सरकार ने सिर्फ दिखावा किया हुआ है, लोग जीतते हैं फिर अपने घरों में बैठ जाते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं किया हुआ है। 2009 के चुनाव में कांग्रेस के महादेव सिंह ने बीजेपी के सुभाष महरिया को हराया था, जबकि 2004 में सुभाष महरिया ने कांग्रेस के नारायण सिंह पर जीत हासिल की थी। इस बार कांग्रेस ने पीएस जाट और बीजेपी ने सुमेधा नंद को मैदान में उतारा है, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री और 3 बार सांसद रहे पूर्व बीजेपी नेता सुभाष महरिया निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जिसके चलते मुकाबला रोचक हो गया है। देखो हमारा मुख्य मुकाबला तो भाजपा से ही है, परंतु सुभाष महरिया भी को हम कम नहीं आंकते, वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है हमारे सामने, परंतु हम दोनों को निपट लेंगे और हम दोनों से अच्छी मेजोरिटी से जीतेंगे दोनों से। सुभाष महरिया हमारे लिए चुनौती नहीं है। चुनौती क्या है आपके लिए? कोई चुनौती नहीं है, हम चुनाव जीत रहे हैं। सीकर में 17 अप्रैल को मतदान होना है जिसमें 17,50,000 से ज्यादा मतदाता हैं। सीकर में बागी उम्मीदवार ने बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर दी है तो कांग्रेस ने मौजूदा सांसद का टिकट काट दिया है। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय होने की उम्मीद है और नतीजे दिलचस्प हो सकते हैं।
नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, सीकर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला होने से नालंदा संसदीय क्षेत्र की तरफ सबकी निगाहें टिकी हैं। पिछले कई साल से सीट पर जेडीयू का कब्जा रहा है। नालंदा संसदीय क्षेत्र से कुल 22 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जेडीयू, एलजेपी और कांग्रेस के बीच है। बिहार में नालंदा का खास महत्व है। नालंदा विश्वविद्यालय न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी मशहूर रहा। जैन, बौद्ध और दूसरे धर्मों का भी केंद्र होने के नाते पर्यटन स्थल के रूप में ज्यादा विकसित हुआ। नालंदा में इस बार आम चुनाव में खेती, सड़क और बेरोजगारी बड़ा चुनावी मुद्दा है। सबसे पहला मुद्दा है सड़क। हर गांव को कैसे सड़क पहुंचे, ये मेरा फर्स्ट प्राथमिकता है, और बिजली, और दूसरा चीज है शिक्षा। कई मुद्दे हैं, स्वास्थ्य भी है, लेकिन शिक्षा भी अनिवार्य है। नालंदा में मतदाताओं की तादाद 19 लाख से भी ज्यादा है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 10 लाख से ऊपर है, जबकि महिला मतदाताओं की तादाद 9 लाख है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर में सभी पार्टियां जमीन तलाशने की कोशिश कर रही हैं। देश की जनता भली भांति समझ गई है कि जिस तरह से देश में भ्रष्टाचार बढ़ा, महंगाई बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ा, तो उससे नालंदा कहाँ अछूता है। भ्रष्टाचार का शिकार नालंदा भी हुआ, महंगाई का शिकार नालंदा के लोग भी हुए, बेरोजगारी का आलम नालंदा में भी है। नालंदा सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। जेडीयू ने यहां से वर्तमान सांसद कौशलेंद्र कुमार को उतारा है। वहीं बीजेपी समर्थित एलजेपी प्रत्याशी सत्यानंद शर्मा उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने पूर्व डीजीपी आशीष रंजन को अपना उम्मीदवार बनाया है। इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 17 अप्रैल को होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।